नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। यूपी में रोडवेज बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, जल्द ही नई कीमतें वसूली जाएंगी। लखनऊ में बृजेश पाठक की बेटी की शादी में हजारों लोगों का जमावड़ा जुटा, सीएम योगी ने भी उप मुख्यमंत्री को बधाई दी। सुल्तानपुर में राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने केंद्रीय बजट पर बयान दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि इससे ना महंगाई कम होगी ना ही बेरोजगारी पर कोई असर आएगा। अमेठी में एसपी ने डीसीआर यूपी 112 यातायात और क्राइम ब्रांच का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने साफ सफाई की चेकिंग भी की। रायबरेली में पत्रकार समाज कल्याण समिति के सदस्यों ने डीएम और एसपी से मुलाकात की। इन सभी ने अधिकारियों से पत्रकार उत्पीड़न की शिकायत की है। रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और डीआरएम सुरेश कुमार सापरा पहुंचे। यहां कर्मचारियों ने राज्य मंत्री और डीआरएम का जोरदार स्वागत किया। रायबरेली में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्हें पुलिस से कैसे मदद मांगी जाए ये भी बताया गया। अयोध्या में जगतगुरु परमहंसाचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया। परमहंसाचार्य ने बताया कि वो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज हैं। रामपुर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी रिटायर्ड कर्मियों को अच्छे जीवन की बधाई भी दी गई। रामपुर में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मल्टीपर्पज सद्भावना मंडप और राम वाटिका का निरीक्षण किया। आपको बता दें, जिले का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज सद्भावना मंडप बताया जा रहा है। रामपुर से लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने बजट पर बयान दिया। घनश्याम सिंह लोधी का कहना है कि ये बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों सभी के लिए फायदेमंद है। औरैया के दिबियापुर में न्यूजीलैंड की लड़की ने पहुंचकर शादी रचाई। यहां शैनल नाम की दुल्हन ने धूमधाम से राम जी नाम के लड़के से शादी की। लखीमपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। आपको बता दें, ये अभियान भाजपा विधायक योगेश वर्मा के गुस्से के बाद हटाया गया है। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।